ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਰੋ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, 52 ਰਾਜੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਧਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੱਲੇ, ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਧਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਕੇਰ ਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੋਸਾ ਸੰਗਤ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮਹਿਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਲ। जिनका नाम था वो एक दूध वाले की लड़की थी गुजर वंश से, तो ठीक है ना, उनका पहले से लक्ष्य बना हुआ है ये 8 रानियों के लिए दिया गया है। ये जो 8 रानियों के राजपूत वाले, ये पूरा, हाँ, जो राजा मानसिंह की 8 रानी थी उनके लिए, उनके लिए। अच्छा, ये जो हॉल है ये ऑडियंस हॉल है जिन्हें दीवाने खास बोला जाता है, मीटिंग हॉल बोलते हैं। ऊपर रेंज सिस्टम दिया है, पर्दा सिस्टम, पहले कुछ पर्दा सिस्टम होता था, ना कि गेट सिस्टम।
यहाँ पे जब आते हैं तो मर जाता है, ठीक है ना। और सामने वाला थोड़ा सा तैयार रहेगा उसकी वजह से, क्योंकि सैनिक भी नहीं रहेंगे तो तैयारी के लिए सैनिक भी चाहिए, हर चीज होती है। तो उसमें से तुम कोई सा चाहे पावर एकदम अटैक नहीं कर पाएगा सामने वाले के सामने, क्योंकि वो तो पूरी फुल तैयारी से आएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो ये उनके बचने के लिए निकल के बाहर निकल गए, तो इन्हें जैसे गुप्त रास्ता बोला जाता उस पीरियड के होते थे, तो वहां पे एक सिक्योरिटी पॉइंट रखा जाता था सैनिकों के लिए कि वो वहां पर रहें, तैनात रहें, और जो भी कोई आता है तो उनको देखें, कोई अंदर ना आए, तो उनके लिए रहते थे बचाव के लिए, जिसे सुरंग बोला। अच्छा, ये जो बना हुआ है डांसिंग हॉल है, जो यहाँ पे जो राजा रहते थे तो पहले भी संगीत हुआ करते थे, ठीक है ना। तो वहां के लिए डांसिंग हॉल, ये सामने एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था डांस के लिए, सामने जो डांसर रहती थी वो वहां पे डांस करने के लिए जो कपड़े चेंज करती थी, तो मेकअप हॉल बना हुआ, और जो राजा मानसिंह के सामने बैठते थे उनके गेस्ट, यहाँ पे डांस हुआ करता था, इसलिए इसको डांसिंग हॉल बोला जाता है। सामने लाइट सिस्टम है, दोनों साइड कैंडल लगाई जाती थी, वैसे ही लैंपो के लिए दिए, ठीक है, और दोनों साइड ये क्या कूलर का सिस्टम था? जी हाँ, ठीक है ना। इसमें नीचे टैंक होता था पानी के लिए, जिसमें केसर और फूल डले रहते थे खुशबू के लिए, इसमें कसकस की जाली लगाई जाती थी, सामने दो पंखे रहते थे, अंदर की साइड एक बार की साइड हवा चलती थी, दोनों आपस में कनेक्टेड रहते थे, ठंडे रहते, इसीलिए इसको कूलर सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। फोटो वगैरह लेना हो तो आप आराम से लीजिए, फोटो से लीजिए। जिसे होते हैं
ये स्विमिंग पूल है जो आज रानी इसी जगह उन्होंने जौहर किया था, मतलब अपने आप को जला के यहीं पे कलम कर दिया था, क्योंकि राजपूत घराने की जो लड़सम होती थी उसकी जगह जौहर किया था, तो इसलिए इसे दूसरे नाम जौहरपुर से जाता है। देखिए वो बना हुआ है, ये क्या है? टेलीफोन सिस्टम। अच्छा, ये भी टेलीफोन का है। अभी भी है लेकिन चौक नहीं हुआ इधर ना, आप आवाज मारोगे तो ऊपर इतना तो प्रेशर आता है, बाकी तो सब चौक हो गया होगा क्योंकि काफी 5.5 साल पुराना हुआ है टेलीफोन। अभी भी आप थोड़ा हाथ लगाएंगे तो एयर आ रही होगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी। जब मुगल पीरियड आया, जहांगीर ने इधर सब राजाओं को कैद किया तो शिवलिंग से डेवलप कर दिया था जिल के रूप में। अच्छा, यहाँ पे कैद किया था? हाँ जी। तो ये पहले क्या हुआ, ये ऐसा नहीं है कि उनको बांध के या उस तरीके से रखते थे, नजरबंद कैद किया गया था जो राजा थे। हाँ। क्योंकि वो भी राजा थे तो उनको क्या है कि चारों साइड से चैन के वो लगा दिया जाता था, वो उनकी नजरों में रहते थे। इसके नीचे भी बेसमेंट बना हुआ है जो नाइट में अंदर रखा जाता था, और जब सुबह हो जाती थी उनको बाहर निकाल दिया जाता था। तो उस पीरियड का ये जेल सिस्टम बना हुआ है मुगल पीरियड का। वैसे ये सब मंदिर बना हुआ था, सामने बावड़ी बनी हुई है जो इसका पानी किन्ने चिर का पानी होगा? काफी गहरा है, काफी गहरा है। अच्छा, ये ऊपर ऊपर जो पानी है, ये पानी है पूरा, ये कई जमी हुई है, ये गहरा है।